पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेत्री उमा भारती आज छिंदवाड़ा पहुंची। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उमा भारती ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में कहा कि राहुल गांधी को भारत टूटता हुआ दिख रहा है, जबकि हकीकत में कांग्रेस टूट रही है। उन्होंने भगवान राम और हनुमान को लेकर भी कहा कि इन पर सिर्फ भाजपा का कॉपीराइट नहीं है, जबकि पठान मूवी में भगवा वस्त्र के मामले में उमा भारती ने सेंसर बोर्ड को आड़े हाथों लिया है। उमा भारती ने कहा कि भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चापलूसी करना मेरे स्वभाव में नहीं है। जाते हैं जो चर्चाओं ये अखबार ने एक साथ तीन महिलाओं के नाम छापे हैं। ये महिला विरोधी बात है, महिला विरोधी सोच है। आपको लगता है पुरुषों के बयान ऐसे नहीं आ रहे? ताली प्रज्ञा के और क्या नाम है उनका, उषा के, मेरे बयान आ रहे हैं, भाई लोगों के भी ऐसे बयान आ रहे हैं। इसलिए पहली बात है महिला विरोधी मस्तिष्क है जिसने भी इस विचार को फैलाया। दूसरी बात जो प्रज्ञा ने कहा कि शस्त्र रखना चाहिए, शस्त्र का तो लाइसेंस सरकारें भी देती हैं, तो इसका मतलब है ना वो शस्त्र रखने की इजाजत देती है सरकार, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर।